सो हेलो एवरीवन, मैं हूं टेक डिफाइनर और आप देख रहे हैं टेक टॉक्स इंडिया। तो गाइस, आज की वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वाली वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने iOS डिवाइस में जो एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन होता है, आप उसको एक साल तक बिल्कुल फ्री में कैसे यूज कर पाएंगे। और बिल्कुल फ्री में बता रहा हूं, आपका इसमें एक भी पैसा खर्च होने वाला नहीं है, आप इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर पाएंगे। एंड साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने एप्पल डिवाइस में। तो गाइस, सारी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली गैस, एप्पल अभी इंडिया में अपनी एप्पल टीवी को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, और इसी वजह से एप्पल अपने जितने भी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करता है उनके साथ में जो 1 ईयर का जो एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन होता है उसको फ्री देता है। तो जब भी आप कोई नया एप्पल का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फिर चाहे वो आईफोन या फिर आईपैड हो, तो गैस उस नई डिवाइस के साथ में आपको एप्पल टीवी प्लस का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में देखने को मिलता है, जिसको आप बिल्कुल फ्री में जाकर रिडीम कर सकते हो और आराम से जो एप्पल टीवी के शोज वगैरह होते हैं उनको एंजॉय कर सकते हो। सो गैस, मेरे पास में आप देख सकते हैं एप्पल का आईपैड मिनी 5 है, और इसमें अगर मैं आपको सेटिंग्स में लेकर दिखाता हूं तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन जैसा आता रहता है, मोर फॉर योर आईपैड। तो इसमें अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एप्पल टीवी प्लस फ्री फॉर 1 ईयर, तो इसको आप रिडीम कर सकते हैं फ्री में। और ऐसे ही आपके पास में अगर iOS का कोई भी डिवाइस है, चाहे वो आईफोन या फिर आईपैड हो, उसमें भी आपको चेक करना है कि आपके पास में ऑफर आया है या फिर नहीं आया है, तो उसको जाके आप आराम से वहाँ पे रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको फटाफट से रिडीम करते हैं। तो रिडीम फॉर 1 ईयर फ्री पे टैप करेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा, इसको हमें यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ठीक है, एंजॉय 1 ईयर फॉर फ्री। ठीक है, तो गाइस अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉपअप आ चुका है और उसमें लिखा हुआ है पेमेंट इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड। तो आपका जो iTunes स्टोर पे आपकी जो एप्पल आईडी बनी हुई है उसमें आपको क्या करना है कि आपका जो डेबिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करना पड़ेगा एक बार को। और डरिए मत, वहाँ पे आपका जो पेमेंट होगा वो जब ही कटेगा जब आप इसका एक साल पूरा यूज़ कर लेंगे, उसके बाद में आपका 99 रुपीज़ पर मंथ कटने लगेगा। तो गाइस वो तो एक बात की बात है, बट इसको अभी हमें यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए कार्ड की इन्फॉर्मेशन तो फिल करनी पड़ेगी, और वहाँ पर आपका कोई भी पैसा कटने वाला नहीं है। तो चलिए हम कंटिन्यू करके यहाँ पर कार्ड की इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा ये। ओके, टच आईडी। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे ऐड पेमेंट वाली स्क्रीन पर आ चुके हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, और जिसमें आप वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड को यहाँ पे यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं। एंड रुपए कार्ड का भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो अगर आपके पास में रुपए कार्ड है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा UPI वाला, तो आप UPI के थ्रू भी इस चीज़ को यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास में भी मास्टर कार्ड है, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, और मैं आपको कार्ड की इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद में मिलता हूँ। एक सेकेंड गाइस, इसमें आपको यहाँ पर एक कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इसमें आप डायरेक्टली टैप करके अपने कार्ड का फोटो ले सकते हैं, और ये अपने आप से इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको यहाँ से इसमें फिल कर लेगा। सो गाइस, देखा आपने, इसने अपने आप से कार्ड को यहाँ पे स्कैन करके जो आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है उसको फिल कर लिया है, और इसी टाइप से आप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे CVV कोड डालने वाला हूँ, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा ब्लर कर देता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजंस, एंड यहाँ पे मेरे को डन करना है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा लोडिंग यहाँ पे ले रहा है, एंड इसके बाद में यहाँ पे मेरे को यहाँ पे दोबारा से टच आईडी देना है। एंड गाइस, आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में देनी है, यहाँ पर लिख कर आ रहा है पॉलिसी में, यहाँ पे देख सकते हैं नो कमिटमेंट कैंसिल एट एनी टाइम इन सेटिंग एप्पल आईडी एटलीस्ट 1 डे बिफोर ईच रिन्यूअल डेट प्लान ऑटोमेटिकली रिन्यूज अंटिल कैंसल्ड। तो गाइस इसका आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको कैंसिल भी करना चाहते हैं, मतलब आपको इसमें आगे जाके एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन यूज़ करने के बाद में पैसा नहीं खर्च करना है, तो आप इसको जो प्लान का रिन्यूअल डेट होगा, तो गाइस आप उस रिन्यूअल डेट से एक दिन पहले भी जाकर सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका जो नेक्स्ट मंथ का चार्ज होगा, जो 99 रुपीज़ पर मंथ होने वाला है, वो आपसे नहीं लिया जाएगा, और आपका जो एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन होगा वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, और आपसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसे वहाँ पर नहीं लिए जाएंगे। और अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको फर्दर आगे जाके भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको 99 रुपीज़ पर मंथ पे करना पड़ेगा। ओके, तो अभी मैं इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ, और यहाँ पर डन हो गया ये। ठीक है गाइस, अभी यहाँ पे लिख के आ चुका है सब्सक्राइब फॉर एप्पल टीवी प्लस, और आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे एप्पल टीवी प्लस आ चुका है, और मैं आराम से बड़े आराम से जो एप्पल टीवी के जितने भी शोज वगैरह हैं उनको आराम से देख सकता हूँ। और इसमें से कुछ अगर देखना चाहें मैं, और इनमें से गाइस अगर अभी कोई और इनमें से गाइस अभी कुछ देखना चाहूँ तो आपको दिखाता हूँ मैं ज़रा, कोई छोटा मोटा सा देखते हैं। चलो एक कार्टून वाला देखता हूँ। ओके, प्ले सीजन S2। सो
तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो एप्पल टीवी का सब्सक्रिप्शन है यहाँ पे सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है और इसमें शोज वगैरह भी बड़े आसानी से चल पा रहे हैं और क्वालिटी भी सच में काफ़ी अच्छी आ रही है। एंड इसमें क्वालिटी को यहाँ पे चेंज वगैरह करने का ऑप्शन शायद मेरे को नहीं पता है मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो क्वालिटी वगैरह तो चेंज नहीं कर सकते हैं आप, रेजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं कुछ स्टेप्स हैं आप ये, अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये यहाँ पे पॉपअप मोड हो गया इस टाइप से एंड इसको फॉरवर्ड वगैरह कर सकते हैं। सो गाइस जहाँ तक ही मेरे को लग रहा है फुल HD में ही चल रहा है क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है एंड सबटाइटल वगैरह भी इसमें हमें देखने को मिल जाते हैं। हाँ हिंदी के सबटाइटल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो अगर आप इसको हिंदी में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे हिंदी के सबटाइटल वगैरह देखने को मिल जाएंगे क्योंकि एप्पल टीवी पे बेसिकली ऑलमोस्ट जितने भी शोज़ हैं वो मेरे हिसाब से इंग्लिश में ही अवेलेबल होंगे क्योंकि ये US ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट करके रखते हैं और अभी इंडिया में जैसे जैसे एप्पल टीवी का क्रेज़ बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर हमें जो शोज़ वगैरह होंगे हिंदी लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था, और कुछ इस टाइप से आपने iOS डिवाइस में एप्पल टीवी का जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको आप एक साल तक बिल्कुल फ्री में यूज़ कर पाएंगे। सो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और गाइस अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हमें बहुत जल्द 2K सब्सक्राइबर पर जाना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो सब्सक्राइब नहीं करती है बट वीडियोस देखती रहती है, तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर देना। और मैं तो आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे होम एंड बी ओवर इन टेक एंड बाय बाय।